परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आज मैं पुनः वेदांत दर्शन के जो मूल तत्व है अद्वैत वेदांत के जो कुछ मूल तत्व हैं, मूल सूत्र हैं, जो आम जीवन में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, उसे रखने का प्रयास करूंगा। चूंकि आज ये एक नई श्रृंखला जो मैंने प्रारंभ की थी मार्च में, और आप में से जो लोगों ने उस समय सुना होगा, परम यति भोले बाबा का एक अमर काव्य ग्रंथ है वेदांत छंदावली, तो उस वेदांत छंदावली पर मार्च अप्रैल में मैंने कुछ 15-16 व्याख्यान दिए थे अद्वैत वेदांत के कुछ मूल तत्वों पर। और उस वक्त फिर मैंने ये घोषणा की थी कि अब इसे विराम देते हैं कुछ समय के लिए, और मैंने यह वचन दिया था कि पुनः 3-4 मास के पश्चात इस श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे आगे की जो कड़ियां हैं। तो मैं पुनः उस वेदांत छंदावली के आधार पर जो संत शिरोमणि भोले बाबा ने जिसकी रचना की वेदांत छंदावली की, उसके आधार पर आपको आपके जीवन में दिनानुदिन का जो आपका जो जीवन है उन वेदांत के सूत्रों की क्या उपयोगिता है, चाहे वह सांसारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, वे सूत्र सर्वत्र
आपका मार्गदर्शन करेंगे और अगर आप उन सूत्रों का गहन रूप में श्रवण मनन चिंतन करने के पश्चात अगर अनुसरण करते हैं तो आपके सांसारिक व्यवहारिक पारिवारिक भौतिक जीवन में भी बड़े ही क्रांतिकारी प्रभाव पड़ते हैं। आपका जीवन सफल सबल सक्षम प्रभावशाली और सार्थक होने लगता है। तो अभी अगले कुछ सप्ताह जब तक मैं दिल्ली में हूं उस समय बीच बीच में ये हिंदी में व्याख्यान होगा, ये भी बताऊं आपको। कई बार कल का मेरा जो व्याख्यान था अंग्रेजी में था तो कई श्रोताओं ने आग्रह किया था कि हिंदी में भी व्याख्यान करें। हिंदी में वैसे आपको ये मैं सूचित करूं और आप सबसे आग्रह करूं कि जो हमारा YouTube चैनल है उस पर 103 से ज्यादा वीडियो डिस्कोर्स जो प्रवचन है हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल करके अभी तक उस वीडियो YouTube पर चैनल पर हमारे अपलोड हो चुके हैं। उसमें 60 से ज्यादा तो हिंदी में है। इसलिए आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब मैं अंग्रेजी में कहीं कभी प्रवचन करता हूं तो आप ये उस वक्त आग्रह न करें और अपेक्षा न करें कि मैं हिंदी में सर्वदा बोलूं, क्योंकि 60 से ज्यादा प्रवचन मेरे YouTube पर पहले पड़े हुए हैं। आप जाकर उनका श्रवण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अभी पिछले हफ्ते से जब से दिल्ली में आया हूं तो एक बड़ी ही दिव्य मूर्ति है कमल माता, जो न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने वेद वेदांत मिशन और जो यूट्यूब है वेद वेदांत मिशन का, जिसका संचालन और जिस पर मैं प्रवचन कर रहा हूं, उसको नए तरीके से बड़ा सुंदर और प्रभावी और सरस बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं जब ऋषिकेश चला जाता हूं तो दुनिया से संपर्क कट जाता है, मैं संपर्क में नहीं रहता हूं। मेरी अनुशासन है मेरे परमहंस न्यास की। तो दिल्ली में आने के पश्चात मैंने उनको संपर्क किया, तो आप जो है सो मेरे फेसबुक पर जाकर देखेंगे, लिंक दिया है। अब यूट्यूब पर जाकर के जो पूरी तरह से बड़ा ही सुंदर और प्रभावी कमल माता के सौजन्य से और उस पर अथक प्रयास कर रही हैं पिछले एक हफ्ते से, सुबह शाम प्रतिदिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उन्हें कुछ उससे, हमारे पास कोई ऐसा धन नहीं है कि मैं उन्हें दे पाऊं, लेकिन स्वेच्छा से निष्काम भाव से उनका जो समर्पण है अध्यात्म के प्रति, तो वो अपना समय दे करके YouTube को रीडिजाइन किया है, रीऑर्गेनाइज किया है और अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रही हैं, लगी हुई हैं और एक दो हफ्ते लगातार उस पर काम करेंगी। जो वेद वेदांत मिशन का जो वेबसाइट है और YouTube है, ताकि आप जो हिंदी और अंग्रेजी, जो हिंदी के श्रोता हैं वो हिंदी में और अंग्रेजी के श्रोता हैं वो अंग्रेजी में, क्योंकि भारत में तो अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं और सुधी गण हैं वो पूरे विश्व भर में है, विश्व के प्रत्येक देश से लोग सुनते हैं, तो अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता है। तो आज मैं हिंदी में यह जो वेदांत प्रवचन माला है, अद्वैत वेदांत के जो कुछ बड़े ही मौलिक सूत्र जो आपके जीवन को बड़ा ही सफल सबल सक्षम बनाने के सूत्र हैं, उनको आपके समक्ष रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में कुछ 10-15 व्याख्यान हिंदी में, मूलतः भोले बाबा की जो अमर रचना है वेदांत छंदावली, सूत्र उसके होंगे लेकिन व्याख्या मैं स्वतः करूंगा, ताकि आप उनका अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकें और उससे अपने जीवन को धन्य कर सकें। आज जो विषय ले रहा हूं और जिस पर व्याख्यान देने जा रहा हूं,
वह वास्तव में विषय तो कल भी लगभग वही था, कल जो अंग्रेजी में व्याख्यान किया था उसका टाइटल था द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटनेस, सफलता और महानता के सूत्र या रहस्य या सिद्धांत, आप जिस प्रकार से भी कह सके। लेकिन कल का जो सूत्र था, ये वेदांत के सारे सूत्र आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक वास्तव में हैं, सृष्टि के संचालन, जीवन के मौलिक सूत्र हैं, आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें समझ पाते हैं कि नहीं, आप अपने जीवन को कैसे संवारना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज मैं विशेष रूप से बड़े सहज, सरल और व्यवहारिक रूप में उसी सफलता के सिद्धांत, वास्तव में भोले बाबा ने वो जो सूत्र दिए हैं और ये रचना अद्वैत वेदांत की एक सृष्टम रचना, काव्यमय रचना है, परंतु उसके जो सूत्र हैं मैं आधुनिक युग की जो मॉडर्न एज है उसके जो नए नए जो सिद्धांत भी हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनके आधार पर भी संन्यास के पूर्व गहन अध्ययन करता रहा हूं। तो आपको इन सूत्रों के आधार पर जो जीवन को कैसे आप सफल बनाएं, सफल कौन होता है, किस कारण से सफलता मिलती है, उन सूत्रों को आपके समक्ष रखूंगा। और ये सूत्र प्रत्येक मानव अपने जीवन में इसका अनुपालन कर सकता है, इनका उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। किस धर्म का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र में रहता है, किस व्यवसाय पेशे से जुड़ा है, इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन एक शाश्वत सार्वभौम दर्शन है, अमर तत्व का निरूपण है। ये आप पर निर्भर करता है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में, अमेरिका में, यूरोप में आज भगवद गीता और उपनिषद के सिद्धांतों के आधार पर जो MBA के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो बड़ी राशि जिनकी वेतन की होती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का एनुअल पैकेज जिनको मिलता है सैलरी के रूप में, उनको भगवद गीता और उपनिषद के जो शाश्वत सिद्धांत हैं प्रबंधन के, वो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस देश की दुर्दशा है हमारी कि हमने इन्हें कुछ प्राचीन समय के अव्यवहारिक, अप्रभावी सिद्धांत या दर्शन मान लिया है। ये भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम सब भारतीयों को इस पर गहन रूप से सोचना होगा। इसलिए जो आज सिद्धांत देने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, देने मैं नहीं जा रहा हूं, ऋषियों मनुष्यों ने हजारों वर्षों से दिया है, शोध किया था, वे वैज्ञानिक थे और वे विशुद्ध विज्ञान है, वो मान्यता नहीं है। मैं चाहे मेरा प्रवचन अंग्रेजी में हो या हिंदी में, मैं ऐसे किसी भी विषय पर और किसी भी तत्व का निरूपण नहीं करता या व्याख्या नहीं करता जो व्यवहार में न लाया जा सके और जिसकी अनुभूति स्वतः न की जा सके। मैं मान्यता पर, आधार पर, विश्वास पर भी नहीं। अंधविश्वास की तो बात आप छोड़ें, कभी भी जीवन में अंधविश्वास के पीछे ये सच्चिदानंद नहीं गया है, बालक के रूप में भी। लेकिन अब जब संन्यास, जो परम हंस संन्यास का गौरव मिला है और गरिमा से आभूषित हुआ हूं, तो अब तो मैं विश्वास पर भी बात नहीं करता। जब तक मेरी अपनी अनुभूति और जीवन के अनुभव हैं वो उनका समर्थन नहीं करते हैं और उनके द्वारा मेरे अपने निज की जो अनुभूति और अनुभव हैं उन सिद्धांतों को
बिल्कुल उचित वैज्ञानिक रूप से उचित शत प्रतिशत अगर उचित मानते हैं, सत्य मानते हैं, तभी उन सत्यों को आपके समक्ष रखता हूं मैं। तो आइए आज वेदांत दर्शन के आधार पर जीवन को कैसे सफल बनाएं, इस पर जानने का प्रयास करते हैं। सात सूत्र आपके समक्ष रखूंगा। जीवन में कोई भी कार्य हो, कोई विशेष कार्य हो, छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, बहुत क्षुद्र हो या कितना विराट हो लक्ष्य, ये मायने नहीं रखता। सूत्र बिल्कुल काम करेंगे। सात के सात सूत्र जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं सफलता के। या आप सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, वैसे तो भोले बाबा ने लिखा आध्यात्मिक दृष्टि से, परंतु इन पर गहन शोध मैंने किया है। ये सर्वत्र आप एक व्यवसायी हैं, आप एक प्रोफेसर हैं या पत्रकार हैं, एक गृहिणी हैं या एक राजनेता हैं या नौकरशाह हैं, सर्वत्र ये सिद्धांत आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो पहले ये आप पहले इस काव्य पाठ का आनंद लें दो मिनट के लिए। उन सूत्रों को आपके समक्ष रखता हूं और फिर उनकी एक एक करके व्याख्या करूंगा। ये अमर काव्य परम यति, बहुत ही बड़े तपस्वी थे भोले बाबा, वृंदावन में रहा करते थे, ये इनकी रचना है। पहले पांच पुस्तकों के रूप में अलग अलग कविता संग्रह के रूप में निकलती थी, लेकिन अब पांचों का संग्रह एक साथ निकलता है। तो उसके आधार पर मैं आपके समक्ष पहले मैं उस सात सूत्र क्या है आपको बता देता हूं, शब्द एक एक करके पॉइंट जो नोट भी करना चाहेंगे, जो नए विद्यार्थी हो, जो युवा हो, कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हो। संघर्ष इस देश में, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में कुछ चार साल पीछे की बात है, कुछ 200-300 यूपी सेक्रेटारिएट या शायद असेंबली के सेक्रेटारिएट के लिए कुछ वैकेंसी निकली थी क्लर्क और फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जॉब के लिए, और एप्लीकेशन आए थे 10 लाख या 20 लाख ऐसे कुछ आए थे एप्लीकेशन, और उसमें ग्रेजुएट एमए और एमबीए और इंजीनियरिंग किए हुए लोगों ने भी आवेदन दिया था। क्लर्क नहीं था, चपरासी चतुर श्रेणी के जो होते हैं। ये दुर्दशा क्यों आई है, तो मैं एक उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूं कि आप इन सूत्रों को समझ जाएंगे तो जीवन में निराशा, उदासी और असफलता स्पर्श नहीं कर पाएगी आपको। तो ये जन जन की आज का जो राजनीतिक संवाद है उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा और आगे रहेगा, ये समस्या और विकट। कोई भी सरकार आएगी, अगर ईमानदारी से आप सोचिए, जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़नी ही है। अगर आप बुद्धिमत्ता से अपने को इतना सबल सक्षम न बना पाते हैं तो जीवन में तो निराशा लगेगी। इसलिए ये जो सूत्र हैं, ये जो प्रतिस्पर्धा का युग है और अनंत समस्याएं हैं, निराशा है, इसके बावजूद आप अपने जीवन को कैसे सफल बना पाएंगे, आप चोटी पर कैसे पहुंच जाएंगे, आपको कोई ताकत रोक ना पाएगी, उसके जो सात सिद्धांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, उन सातों का पहले जो कोई विशेष रूप से अभिरुचि रखते हैं वो नोट कर सकते हैं और फिर उसकी व्याख्या करूंगा। पहला, सुविचार। दूसरा, निशंक एवं निश्चिंत। तीसरा, उत्साह, सर्वदा उत्साह। चौथा,
शौर्य वीर्य वीरता। पांचवा सूत्र आर्यवत्ता, इसकी व्याख्या करूंगा, गहन सूत्र है आर्यवत्ता। छठा निष्काम भाव, निष्काम भावना। सातवां सम्यक ज्ञान, गुरु और शास्त्र से सम्यक ज्ञान, वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, किसी साइंटिफिक केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट हो, या कोई इंग्लिश फ्रेंच हिंदी संस्कृत किस सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, प्रत्येक ज्ञान के लिए गुरु और शास्त्र की सर्वदा आवश्यकता होती है। तो सम्यक गुरु और शास्त्र, सम्यक इसकी व्याख्या करूंगा। ये सात सूत्र हैं और ये शाश्वत सूत्र हैं। इन सूत्रों को भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है, इन सूत्रों को अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने दिया, महाराज नरेश जनक को, और ये सूत्र विभिन्न उपनिषदों में भी हैं। तो पहले ये जो छंद है, आप सात सूत्र आपने जाने, उनको कैसे ले रहे हैं और कैसे इनकी व्याख्या कर रहे हैं, वो तो सहज रूप में करेंगे भोले बाबा, लेकिन उनकी व्याख्या मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो पहले जरा कविता का आनंद लें आप, इन्हीं की कविता है, इनके संदर्भ में ही है, इन्हीं सूत्रों को किस रूप में कह रहे हैं कि सफलता कैसे मिलेगी इनसे, और एक बार आप इस काव्य पाठ का आनंद लें दो चार मिनट में, और फिर एक एक करके इसकी व्याख्या करूंगा। नारायण नारायण। होती सफलता है वहीं, कविता का शीर्षक है, छंदावली का शीर्षक है जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। होती सफलता है वहीं, कहां, आगे सुनिए। मित्रों करो जो कार्य सो, सोचे बिना मत कीजिए, आरंभ पीछे कीजिए, पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना, होती सफलता है नहीं, होता जहां सुविचार है, होती सफलता है वहीं, होती सफलता है वहीं, होता जहां सुविचार है, होती सफलता है वहीं। चिंता न कीजिए चित्त में, मन में न शंका लाइए, निशंक होकर कार्य कीजिए, भय न किंचित खाइए। जो मूढ़ चिंता ग्रस्त हो, सो कार्य कर सकता नहीं, चिंता जहां होती नहीं, होती सफलता है वहीं। चिंता जहां होती नहीं, होती सफलता है वहीं। जब तक न पूरा कार्य हो, उत्साह से करते रहो, पीछे न हटिए एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहो। उत्साह बिनु जो कार्य हो, पूरा कभी होता नहीं,
उत्साह होता है जहां, होती सफलता है वहीं। उत्साह होता है जहां, होती सफलता है वहीं। आपत्तियां सब झेलिए, मत कष्ट से घबराइए। आपत्तियां सब झेलिए, मत कष्ट से घबराइए। हो मृत्यु का भी सामना, हटिए नहीं मर जाइए। कायर भागे रण क्षेत्र से, रण धीर हटता है नहीं। होती जहां है वीरता, होती सफलता है वहीं। होती जहां है वीरता, होती सफलता है वहीं। अनादिकाल से सफलता के मौलिक सूत्रों में विश्व भर में यह सूत्र पढ़ाया जाता है। होती जहां है वीरता, होती सफलता है वहीं। उपदेश लीजिए प्राज्ञ से, प्राज्ञ अर्थात ज्ञानी। उपदेश लीजिए प्राज्ञ से, मत अन्य को सिखलाइए। व्याख्या नहीं मत दीजिए, करी कार्य कुछ दिखलाइए। बकवाद करने मात्र से, बकवाद अर्थात बकवास आम भाषा में जो बोलते हैं उसी को बकवाद बोलते हैं शुद्ध हिंदी में या संस्कृत के अनुसार। बकवाद करने मात्र से कुछ कार्य सधता है नहीं। जैसा कहे वैसा करे, होती सफलता है वहीं। जैसा कहे वैसा करे, होती सफलता है वहीं। तनु में महाआसक्ति हो, मन में हजारों कामना। लोलुप सदा हो भोग में, चाहे जगत में नामना। केवल उठाता बोझ ही, तो हाथ कुछ आता नहीं। होती जहां निष्कामना, होती सफलता है वहीं। आसक्ति तन में हो नहीं, सब इंद्रियां स्वाधीन हो। ना भोग की हो लालसा, मन ब्रह्म में तल्लीन हो। होता विरागी नर सुखी, रागी सुखी होता नहीं। होता जहां वैराग्य है, होती सफलता है वहीं। होता जहां वैराग्य है, होती सफलता है वहीं। अंतिम सूत्र और अंतिम छंद। गुरु शास्त्र से सब जान को, गुरु शास्त्र से जब ज्ञान हो, पीछे उसी का ध्यान हो। हो ध्यान से वैराग्य पर, सब तत्व सम्यक ज्ञान हो। भोला बिना गुरु शास्त्र है, सम्यक ज्ञान नर पाता नहीं। भोला
बोला बिना गुरु शास्त्र है सम्यक ज्ञान नर पाता नहीं। होते जहां गुरु शास्त्र है होती सफलता है वहीं। होते जहां गुरु शास्त्र है होती सफलता है वहीं। होती सफलता है वहीं। ये सात शाश्वत सिद्धांत हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी उद्देश्य, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी संस्कृति, किसी समुदाय, किसी भी राष्ट्र को सफल बनाने के ये शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। आइए अब इन्हें सरल, सहज, व्यवहारिक अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। पहला सूत्र आपको बताया था सुविचार, सम्यक विचार। जो कुछ भी आपको करना है, जो कोई भी अनुष्ठान आपके समक्ष है, जो कोई भी लक्ष्य है, कोई भी उद्देश्य है जिसे सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी अभिष्ट है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके संबंध में जितने भी उसके पहलू हैं उस पर सम्यक विचार करें आप, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंसीडर्ड व्यू। मन में आया ये करना चाहिए, कभी मन में आया वो कर लूं। मुझे संन्यास से पूर्व भी बहुत से युवक आते थे, स्टूडेंट लाइफ में भी आते थे काउंसलिंग के लिए, अभी भी बोलते हैं। कोई बोलता है, बोलता था अभी भी, पीएचडी करूं, आगे बढ़ूं, करना ठीक रहेगा, ये समस्या है, कुछ उधर जाना चाहता हूं, या कि मैं कहीं जॉब कर लूं अभी। कोई बोलता था क्या प्रोफेशनल कोर्सेज एमबीए करूं, या कि कुछ बिजनेस अपना शुरू कर लूं, लॉयर बन जाऊं वो ठीक रहेगा। फिर अचानक सोचेगा नहीं नहीं मुझे पॉलिटिशियन बन जाना चाहिए। कुछ दिनों तक सोचेगा नहीं सिविल सर्वेंट बनना चाहिए मुझे। अचानक नहीं नहीं मुझे पत्रकार बनना है। ये अधिकांश आज की जो युवा पीढ़ी है उसके समक्ष बहुत बड़ी समस्या है। और ये इसका एक पक्ष है, आपके समक्ष आप उद्योगपति बनने जा रहे हैं या आप राजनेता बनने जा रहे हैं, तो आपकी जो रणनीति है वहां पर भी यह प्रश्न सबके समक्ष आता है। पहला प्रश्न रणनीति में कि कैसे विजय आपको प्राप्त होगी, कैसे सिद्धि मिलेगी, जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो उसके लिए जो कर्म होना है, कर्म की जो कुशलता होनी है, और जो उसमें बाधाओं के आने की भी जो संभावना है, तो उनसे कैसे आप युद्ध करेंगे, उनको कैसे पार करेंगे, उनका अतिक्रमण, जो सीमाओं और बाधाओं का अतिक्रमण करके आप अग्रसर होते रहेंगे, इन सबके लिए आप तैयार हो, आप निरुत्साहित न हो जाएं बीच में, इसके लिए सम्यक विचार। सम्यक विचार कैसे होगा, सुविचार। अब इसकी ये एक एक शब्द है जो सूत्र बता रहा हूं, इस पर दुनिया में हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। मैनेजमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं और अकेडमी है वहां पर पढ़ाए जाते हैं एक एक टॉपिक। अब इसकी थोड़ी संक्षेप में ही, परंतु फिर भी मैं व्याख्या करने का प्रयास करता हूं कि क्या विचार करना पड़ेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन टू माइंड व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन। आपको जो सोचना होगा, ये सोचना होगा कि क्या आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें सिद्धि करना चाह रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या अचानक किसी दूसरे से प्रेरित होकर, दूसरे से नकल करके, तो कहीं ग्लैमर डिवेन इंस्टिंक्ट तो नहीं है,
क्या आपके अंतःकरण की जो वृत्ति है, आपकी जो मनोवृत्ति है, आपका जो गुण धर्म है शरीर मन बुद्धि का, उससे वह मेल खा रहा है, तादात्म है कुछ? या कि अचानक किसी ने कह दिया बिजनेस नया प्रारंभ कर लो, किसी ने बोल दिया चलो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, किसी ने बोल दिया ब्यूरोक्रेट बन जाओ। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस सूत्र को समझने के लिए बहुत गहरे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं, और बच्चे जब हैं तो उनके माँ पिता भी हैं, सबके समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये 70 के दशक में जब जे कृष्णमूर्ति अमेरिका और यूरोप में बहुत ही प्रभावशाली थे, विश्वविद्यालयों में भी उनका दर्शन और शिक्षा पर जो युवा पीढ़ी और जो समाज और सभ्यता और संस्कृति के समक्ष जो संकट थे, तो अमेरिका में तो 70 के दशक में जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रभाव में यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेज में वह जो भगवान कृष्ण का जो सूत्र है, वहां पर जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई भगवान कृष्ण के सूत्र के रूप में नहीं बता रहे थे, मैं लेकिन भगवान कृष्ण के जो सूत्र है उस रूप में बताऊंगा, लेकिन वह शाश्वत सार्वभौमिक सत्य है। बच्चों में वह अगर आप न पहचान पाए उस ऊर्जा को तो नहीं हो पाता है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं, और ये प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक युवक को, प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक नेता को, अभिनेता को, नौकरशाह को, और प्रत्येक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी और पत्रकार को भी इस सूत्र को जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम सुविचार करके नहीं अचानक हतोत्साहित जीवन जी रहे हैं, नौकरी नहीं है, भोजन तो चाहिए, जीविका तो चाहिए, तो इधर से उधर जिस किसी ने भी कोई लालच दे दिया, जहां कहीं कुछ दिख गया, कहीं कुछ टीवी में देखा, कहीं इंटरनेट पर देखा, अचानक कहीं फेसबुक पर देखा, कहीं यूट्यूब पर देखा, ये बड़ा गहरा संकट है। पहले से भी ये संकट था, अब और विकट हो गया है, तो तत्काल भागने लगते हैं, अच्छा इसमें बड़ा लाभ है, लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक होता है। वैसे नहीं भागें आप किसी अभिष्ट के पीछे। तो असफलता और निराशा आपको सुनिश्चित हो जाएगी अगर आप सुविचार करके कोई प्रकल्प नहीं प्रारंभ करते हैं। सुविचार करें, सुविचार में जो एक दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है उन पर अध्ययन आपका आकृष्ट करूंगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध करने से अस्वीकार कर रहा है और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका धर्म, उसका कर्तव्य, धर्म का तात्पर्य है भगवद गीता में जहां भी धर्म शब्द आया है, धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य, गुण धर्म, गुण पर आधारित, त्रिगुणी प्रकृति है, त्रिगुणी मनुष्य है, त्रिगुणी चित्त है, त्रिगुणी सृष्टि है, त्रिगुणी आपकी बुद्धि है, उसके आधार पर आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या उपयोगी होगा, उसी तत्व का विवेचन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, श्रेयां श्रेयां स्विगुण धर्म श्रेयां स्वधर्मो विगुण। श्रेयां स्वधर्मो विगुण स्वधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना जो धर्म है, श्रेयांग स्वधर्मो विगुण, उसमें कोई दोष भी हो, उसमें कोई संकट भी हो, फिर भी अपने धर्म का अनुपालन करना चाहिए। धर्म का यहां तात्पर्य हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध से नहीं है, धर्म
प्रकृति जन्य आपकी जो प्रकृति है, आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की, चरित्र की, और अर्जुन क्षत्रिय है और भागना चाहता है, पद कर्तव्य च्युत हो रहा है, इसे स्केप कहते हैं ना, जब संकटग्रस्त हो जाता है तो कायर भीरू व्यक्ति स्केप चाहता है, पलायन करना चाहता है, तो उस पलायन जब सांख्य योग का उद्बोधन करते हैं भगवान कृष्ण तो बोलता है प्रभु, और कर्म योग पर आते हैं तो बोलता है प्रभु आपने सांख्य योग का इतना महान दर्शन दिया तो फिर मुझे ये महापात की कर्म भी क्यों लगाते हैं आप, ये करके कुविचार कर रहा है अर्जुन वहां पर। तो वहां पर उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें सफलता मिले या असफलता, उसमें कोई गुण भी दिख रहा हो, कोई समस्या भी दिख रही हो, विगुण का तात्पर्य है कोई समस्या दिख रही हो, सम प्रॉब्लम्स इन दैट परसूट, तो भी तुम्हें अपने निज गुण धर्म के आधार पर जो कर्तव्य है उसी का पालन करना चाहिए। किसी के अंदर कवि बनने की क्षमता ज्यादा है, किसी के अंदर वैज्ञानिक शोध करने की क्षमता है, कोई बहुत अच्छा प्रशासक बन सकता है, कोई राजनेता बन सकता है, कोई बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है, कोई बहुत अच्छा वादन कर सकता है, कोई बहुत सुंदर गायन कर सकता है, कोई बहुत बड़ा वीर बन सकता है, रणधीर बन सकता है, सूर्य वीर रणयोद्धा बन सकता है। सबकी अलग अलग प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप अगर वह कार्य करेगा और उसका उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अगर उसका विनाश भी हो जाए, अगर ऐसा दिखे कि शायद मेरा विनाश हो जाए, विनाश का तात्पर्य मैं असफल हो जाऊं, बिखर जाऊं, तो भी उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा स्वधर्म है, अर्थात रेटरिक जिसे कहते हैं, वास्तव में उसमें विनाश संभव नहीं है। प्रभावशाली इस वक्तव्य को बनाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण कहना यह चाह रहे हैं कि तो विजय, जो श्रेष्ठतम विजय, जो सार्थक सफलता मिलती है, तो अपना जो निज गुण धर्म है उसके अनुरूप आचरण करने से ही मिलती है। तो अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक शोध करना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, माता पिता अगर सिविल सर्वेंट है, अरे नाम डुबाएगा क्या, तेरे पिताजी आईएएस, तेरे दादाजी आईएएस, तेरे भाई आईएएस हैं, तू क्या करेगा, ये वैज्ञानिक को खाने बगैर मरेगा क्या शुरू शुरू में। जिसके परिवार में लॉयर्स हैं, बड़े बड़े जूरिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर लड़का बोलता है मैं तो पत्रकार बनना चाहता हूं, अरे बेटे क्या करेगा, नाम डुबाएगा, तुम्हारे दादाजी इतने बड़े जज थे, तुम्हारे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हैं, क्या पत्रकारिता वगैरह करेगा। कोई वैज्ञानिक है, उसकी संतान है, उसकी अभिरुचि आर्ट्स में, सिनेमा में, म्यूजिक में अचानक हो सकती है। अब मैं ये आधार अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, 30-35 साल का अनंत इस तरह के युवाओं से आते थे मिलने के लिए, संन्यास से पूर्व की भी बात बता रहा, पिताजी तो और माताजी तो कुछ और कर रहे हैं, खानदान की इज्जत बचानी है, खानदान में हमारे ये होता रहा है, तू बेटा क्या कर रहा है, ये बहुत भारी हिंसा है, गहन हिंसा है, और उस व्यक्ति के, उस युवा के, अपनी संतान के आप हंता बनते हैं, आप माता पिता के रूप में। हां, इस बात को सुनिश्चित जरूर करें कि जो युवक है, जो या बच्चा भी है, जो आगे करना चाह रहा है, वह कहीं इधर उधर से सुन करके ही उसमें तो लग नहीं रहे हैं, उसकी गुण धर्म, जिसको आज की तारीख में एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में और बच्चे का ही स्कूल में दाखिला हो, उसके पहले लगभग यूरोप और अमेरिका में सब लोग अपने बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, इस देश में अभी भी ये प्रारंभ नहीं हुआ है करके। उसका मूल ज्ञान भगवद गीता से आ रहा है, भगवान कृष्ण का वही सफलता का सूत्र, और यही जीदू कृष्णमूर्ति 70
के दशक में जब उनका जो दर्शन इतना प्रभावी व्यवहारिक सांसारिक जगत में भी अमेरिका और यूरोप हुआ था और पूरा जो स्कूल करिकुलम वहां पर बदल दिया गया उनके अनुरूप की बच्चे को कुछ भी आप ऊपर से समझाने सिखाने थोपने की कोशिश न करें, उसके अंदर जो अपनी अंतर्निहित क्षमता है, जो मेधा है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जहां जाना चाहता है, जो उसे अच्छा लग रहा है, उसमें आप सहयोग करें, देन द चाइल्ड विल ब्लूम लाइक द लोटस, मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट रोज एंड लोटस। मनुष्य के साथ यही होता है, जो उसकी अपनी अंतर्निहित क्षमता है, इंट्रिंसिक इनहेरेंट एनर्जी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेपरेट डिफरेंट। तो अगर उस धर्म गुण के अनुसार अगर वह व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह सुविचार के कारण ही और परिणाम स्वरूप ही वह आगे बढ़ सकता है। सुविचार का तात्पर्य यही है, सुविचार का तात्पर्य यह नहीं है कुछ करना हो दो मिनट बैठ उस पर चिंतन विचार करना, तात्पर्य है कि जो परिस्थितियां उस लक्ष्य को प्राप्त करने में या जो घटक हैं क्या क्या घटक होते हैं। तो अब एक एक जो ये सात बिंदु पर आज बोलने जा रहा हूं संक्षेप में, एक एक पर पूरे सब्जेक्ट्स हैं, बुक्स हैं कितनी, तो इतना आज के लिए काफी रहेगा कि सफलता का जो पहला सूत्र मैं सुविचार बता रहा हूं वहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो वो बच्चा हो, युवक हो, या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रकल्प प्रारंभ करना चाहता है, कोई भी संकल्प सिद्ध करना चाहता है, जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, उद्योगपति बनना चाहता है, राजनेता बनना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, बुद्धिजीवी, जो कुछ भी करना चाहता है, क्या उसकी जो अंतर्निहित अपनी वृत्ति है, गुण धर्म होता है, संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणी है। अब वो अलग दर्शन है, भगवत गीता पर भी प्रवचनमाला प्रारंभ कुछ दिनों के बाद करूंगा, उसमें वो आएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वह जो व्यक्ति है, जो साधक है, जिस सिद्धि के लिए वह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा है, वह सुविचारित लक्ष्य है या नहीं है, और अच्छी तरह से सुविचार करके उस विषय को जानने वाले उसके संदर्भ में जो उचित परामर्श, और ये काम गुरु, वास्तव में ये सत्रवां सूत्र दिया हूं उस पर विशेष रूप से बोलूंगा, परंतु जो गुरु और शास्त्र का यही कार्य है, जो मौलिक शाश्वत सत्य है उनकी सतही नहीं गहन उस परिस्थिति को, उस बालक की, उस युवक की, उस व्यक्ति की गहरे अर्थों में जो मनोवृत्ति है, उसकी जो शक्ति है और उसकी जो कमजोरियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको परामर्श देता है। तो आप जो कुछ भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिसमें भी सफल होना चाहते हैं, तो पहले उस लक्ष्य और उस प्रकल्प को प्रारंभ करें, सुविचार करें कि क्या आपको वह करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और एक बार सुविचार करके आपको जब लग रहा है कि नहीं मैं तो यही करूंगा, मुझे यही करना चाहिए, ये जीवन का मेरा परम श्रेष्ठ लक्ष्य है, मुझे आनंद मिलेगा इसे करने में भी, तो आप सुविचार करके उस पर अवश्य आगे बढ़ें, तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, ये नींव है यहां से। और 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि सुविचार तो बहुत दूर की बात, किसी और के द्वारा माता पिता ने विचार करके बच्चे को बोल दिया तू ये बन जा, किसी दूसरे व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने, प्रभावी व्यक्ति ने, बलवान व्यक्ति ने बोल दिया तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो कर लेना चाहिए, ये असफल बनाएगा आपको, इसमें सफल होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी करें, गहन चिंतन करें, सुविचार करें, समय लें, कंसीडर्ड व्यू आपका होना चाहिए, जो करना वाला है उसका विचार होना चाहिए। अगर छोटा बालक है या कोई युवा है, उतना ज्ञानी नहीं है, अनुभवी नहीं है, तो माँ पिता भी उसे इस रूप में सहयोग कर सकते हैं, उसे यह निर्णय करने में, उस बच्चे से या उस बच्ची से वो पूछें, या माँ पिता तो उस संतान के साथ में रह रहा है तो समझने का प्रयास करें कि एप्टीट्यूड क्या है उस बच्चे के अंदर,
वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, नौकरशाह बनना चाहता है, राजनेता बनने की उसकी प्रवृत्ति है, व्यवसायी बनने की, उद्योगपति बनने की, कलाकार बनने की, क्या उसकी अंतर्वृत्ति है, यह समझने का प्रयास करें। इसमें बहुत गहन समस्या पिछले 20-30 वर्षों में खड़ी हो गई है, उसके तरफ संक्षेप में इशारा करूंगा, उस पर बहुत गहन व्याख्यान की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज टेलीविजन और इंटरनेट का जो एक्सपोजर है बच्चों को या युवाओं को भी, वहां पर एक बहुत इसमें गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। द ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली इज ग्लैमर ड्रिवन, पर्टिकुलरली इन द मॉडर्न एज। टेलीविजन पर एक ग्लैमर ड्रिवन हीरो हीरोइन एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इनकी जो सुपरफिशियल आर्टिफिशियल जो जिंदगी है उसको देख करके छोटे छोटे बच्चे, मैंने इस पर व्यक्तिगत रूप से संन्यास से पूर्व अच्छा खासा अध्ययन किया था, बहुत सारे केसेस मुझे ऐसे पता हैं। अब टेलीविजन पर एक्सपोजर हो रहा है किसी आर्टिफिशियल मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ग्लैमरस मॉडल की लाइफ है, किसी एक्ट्रेस की लाइफ है, किसी एक्टर की लाइफ है, फिल्म में देखते हैं और आर्टिफिशियली सुपरफिशियली इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उनको लगता है काश मैं भी ये हो जाता, काश मैं ये हो जाता। मैंने आज, मैं हिमालय पर रहता हूं, महानगर नहीं है, वहां पर भी मैंने देखा, मुझे बड़े बड़ा अद्भुत, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, ओ लेट्स गो टू बॉलीवुड, बट इट्स सो डिफिकल्ट। ये मैंने 8 साल 10 साल की बच्चियों को ये आपस में वार्तालाप करते हुए टेलीविजन से देखा है, ये विनाश का मंत्र है। अगर टेलीविजन से सुपरफिशियल ग्लैमरस आर्टिफिशियल लाइफ दूसरों को देख करके अगर आपका बच्चा या बच्ची या जुआ या कोई भी प्रभावित होकर के जो निर्णय ले रहा है कि मुझे ये करना है, या किसी पॉलिटिशियंस की लाइफ की ग्लैमर को, किसी प्रधानमंत्री, किसी चीफ मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर, तब आप अपने साथ अन्याय करेंगे, समाज के साथ भी अन्याय करेंगे। इसलिए जो पहला सूत्र बताया कि स्वधर्म, जो अंतःस्फूर्त आपकी जो वृत्ति है, जो गुण धर्म है, उसके आधार पर अपना चयन करें, अपने लक्ष्य का उसी प्रकल्प की ओर बढ़ें। तो पहला सूत्र हो सुविचारित हो, जो आप लक्ष्य सिद्ध करने जा रहे हैं, जिस प्रकल्प और अनुष्ठान को प्रारंभ करने जा रहे हैं वह सुविचारित हो कि आप वास्तव में आपका जो गुण धर्म है, मन बुद्धि चित्त और शरीर सब की साम्यता है, समरूपता है उससे। अब अगले सूत्र पर चलते हैं। हरिशरणम हरिशरणम, दूसरा सूत्र था निशंक निडर, आम भाषा में ये आप अनंत इसके उदाहरण मानव इतिहास में पाते हैं, विशेष रूप से जहां युद्ध होते हैं, युद्ध भूमि में अनंत ऐसे उदाहरण हैं, भारत में ही और विश्व में, बड़ी छोटी सी सेना ने बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया। नेपोलियन की वह अमरवाणी आपको याद होगी, जैसी परिस्थितियों में जब वो बुढ़िया माता वहां पर आल्प्स के नीचे फुटहिल्स में बैठी थी दुकान पर, और उसने मना किया कि बेटे, नेपोलियन को, बेटे आगे दुश्चेष्टा मत करो, विनाश तुम्हारा निश्चित है, आल्प्स को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है, उधर जो कोई भी जाने का प्रयास करता है वो लौट के नहीं आता है। और नेपोलियन ने कहा, नेपोलियन पीछे लौटना जानता नहीं है, द वर्ड इम्पॉसिबल डजंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, क्योंकि नेपोलियन डरना जानता नहीं है, भयभीत होना जानता नहीं है। आप ये ऊर्जा जो है, ये जो विज्ञान है, ये सर्वत्र लागू हो रहा है। प्रतिदिन आप गृहिणी हो या कहीं
व्यवसायी हो, नौकरी कर रहे हो, कोई भी प्रकल्प प्रारंभ कर रहे हो, राजनेता हो, नौकरशाह हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको अभय भाव का होना तो बहुत आवश्यक है। जब कोई भी आप प्रकल्प प्रारंभ करते हैं, अगर आपके अंदर साहस ना हो तो डर डर कर 90% से ज्यादा लोग तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग और जो गौरव और गरिमा उनको जीवन में मिल सकता था, उनके अंदर सब क्षमता थी, लेकिन डरपोक, आम भाषा में जिसे कहते हैं ना, डरपोक बना दिए जाते हैं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा। जो डेयरिंग स्पिरिट उनके अंदर, उसको मार दिया जाता है। बेटे, प्रैक्टिकल होना, व्यवहारिक होना, इसमें बड़े खतरे हैं। अब बच्चे ने बचपन से सुन 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 करके गारंटी और सिक्योरिटी की बात सुन सुन करके नपुंसक हो जाता है। मैंने असंख्य उदाहरण इसके देखे हैं, उस आधार पर बोल रहा हूं इस सिद्धांत को। इसलिए आपको डर डर के रहने की अगर आदत है, आप लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, अगर हर पल इस पर आपकी दृष्टि है, तो आप बड़ा कार्य कभी कर नहीं पाएंगे, सफलता आपका चुम्बन कर नहीं पाएगी। अब अगर सुविचारित आपने निर्णय कर लिया और जीवन में लक्ष्य आपने जो सुनिश्चित कर लिया, तो उसके पश्चात तो आप कभी भी भयभीत न हो, निशंक हो करके आगे बढ़ते जाए। जो भी संकट आएगा, समस्याएं आएंगी, जितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियां होती हैं, छोटी से छोटी उपलब्धि में भी संकट आते ही हैं। समस्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, उसका एकमात्र उपाय है उसका अतिक्रमण करने का, कि निशंक होकर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते जाओ, भय को नहीं आने दो। छोटा सा उदाहरण मैंने व्यक्तिगत जीवन में देखा। आप एक स्टूडेंट के रूप में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सब ने उस फेज को फेस किया है, या किसी भी प्रकार के और प्रकार के भी जीवन में भी बड़े से बड़े एग्जाम्स होते हैं। अधिकांश जो हमारी क्षमता जो उस समस्या का निराकरण करने की भी थी, उसका अतिक्रमण कर लेने के भी, हम उसको पार भी कर जाते, लेकिन जो डर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा वहां इतनी ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है कि अब तो सुनिश्चित हो जाता है असफल होना। बार बार जब मैं उस प्रकल्प पर, उस संकल्प पर, उस उद्देश्य और लक्ष्य पर जब निकल पड़ा हूं, तो अगर यहीं आए कहीं असफल ना हो जाऊं, ये समस्या तो नहीं आ जाएगी, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, आपकी यह जो मनोवृत्ति है आपको असफल बनाने की ओर अग्रसर करने लगती है। इसलिए एक बार आपने सुविचारित अगर निर्णय ले लिया तो आगे बढ़ते रहो बिना किसी डर के। तीसरा सूत्र जो है अब लेते हैं, हरिओम। जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी, विदाउट एनी एक्सेप्शन, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, द पैशन, द किलिंग इंस्टिंक्ट इन कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड, अगर उत्साह से लवरेज आप नहीं है, तो सफलता की कोई संभावना नहीं है। और ये जो महल बन रहा है सफलता का, जो 7 सिद्धांत बता रहा हूं, पहला सुविचार, उसके बाद अभय होकर, निडर होकर के आगे बढ़ना है, उसी की अग्रिम पंक्ति में आता है। तो उत्साह पूर्णतः होना चाहिए, और उत्साह तभी होगा जो आपके गुण वृत्ति और धर्म के अनुरूप जो प्रकल्प चुनेंगे, वह उद्देश्य चुनेंगे, जो आजीवन का लक्ष्य चुनेंगे, तो उसमें उत्साह होगा। आपकी प्रकृति से अगर आपके अंदर वैज्ञानिक बनने की मनोवृत्ति थी, प्रवृत्ति थी, बचपन में इनहेरेंट टैलेंट है, और आपको ब्यूरोक्रेट बना दिया गया, या मां पिता ने बोला आर्मी में चले जाओ, उत्साह रहने की कोई संभावना नहीं है, असफल होना वहां पर तय है। उत्साह उसी में हो पाएगा जो आपकी प्रवृत्ति मनोवृत्ति से मिलता है, आपको जो अच्छा लगता है, एज ए पैशन, जो आपका पैशन हो। पैसा न मिले तत्काल कोई उसमें,
लाभ न भी हो तो जो करना आपको अच्छा लगे वह आपको बड़ा उत्साहित करता है। इसलिए जहां कहीं भी लगे आप जो कार्य भी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर उस कार्य में आपको उत्साह नहीं है, पूरा लवरेज, या सन्यासी भी हो तो ध्यान दीजिए ये सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये तो परम जति ने सन्यासी ने लिखा है। उपनिषद के आधार पर वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को मैं आपको व्यवहारिक अर्थों में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो आज यूरोप और अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमबीए के स्टूडेंट्स जो 5 करोड़ रुपए फी देकर के सीखते हैं उनको सरल सहज भाव में आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। अगर उत्साह उस कार्य में आप उत्साह से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसे छोड़ दीजिए। शत प्रतिशत आपकी मनसा वाचा कर्मा ऊर्जा नहीं लग पा रही है और पूरी ऊर्जा समर्पित नहीं हो पा रही है, सफल नहीं हो पाएंगे, उसे छोड़ दीजिए। आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और समाज के साथ भी अन्याय करेंगे, उस लक्ष्य के साथ भी आप अन्याय करेंगे। तो तीसरा सूत्र, उत्साह होना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उत्साह परमावश्यक है। मैं संक्षेप में ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। चौथा सूत्र, वीरता, जो कि उधर निडरता के रूप में, दूसरे रूप में तो उसको मैंने रखा, लेकिन जो शौर्य साहस, अगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अमर होने का मूल रूप से, वह आत्मा है, शाश्वत सत्य है, सच्चित आनंद है और उसकी मृत्यु संभव नहीं है, और उस बोध से, उस ज्ञान से जब अर्जुन को अपने अमरत्व का बोध हुआ, उसके आधार पर जो वीरता उत्पन्न हुई, वह कायरता को उपलब्ध हो गया था। गांडीव रख दिया अर्जुन ने, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। पुनः उसे सत्य का बोध करा करके उस वीरत्व की स्थिति में ला दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जो बताना था, ज्ञान देना था, मैंने तो दे दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो चाहो वो करो। और अर्जुन ने कहा हे प्रभु, मैं अब समझ लिया, मैंने जान लिया मुझे जो जानना था, अब युद्ध होगा, मैं युद्ध करूंगा, पूरी ऊर्जा के साथ युद्ध करूंगा। वीरता को वहां पर उपलब्ध हुआ। अगर वीरता को उपलब्ध न होता तो महाभारत का परिणाम और कुछ होता, मानव इतिहास कुछ और होता। और कहीं भी आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, वास्तव में छोटे कार्य में भी वीरता की तो आवश्यकता होती है, छोटे कार्य में छोटी वीरता की, लेकिन बिना वीरता के तो कुछ हो नहीं पाता है। बड़ा करना चाहते हैं तो उसके अनुपातिक वीरता तो होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। वीरता का बड़ा गहन अर्थों में यहां पर इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अगर आपके अंदर वीरता नहीं है, चुनौतियों का सामना करने की, समस्याओं को पार करने की, अतिक्रमण करने की, समाधान करने का आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर असफल होने के लिए आप तैयार रहिए, सफलता नहीं चूम पाएगी आपको। अगला जो सूत्र है, पांचवा, आर्यवत्ता। अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं इंटीग्रिटी। अब अधिकांश लोग, इंग्लिश वाले भी इसका बड़ा गहरे अर्थों में अर्थ नहीं समझते हैं। इंटीग्रिटी का आप जो डिक्शनरी में देखेंगे तो ईमानदारी शब्द, ऑनेस्टी का सिनोनिम बोला जाता है, लेकिन ये बहुत गहरा शब्द है। इसको महर्षि अष्टावक्र ने आर्यवत्ता कहा। द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी किसे बोलते हैं, डिसइंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड। When the mind, body and spirit are integrated, that creates an integrated personality. आर्यवत्ता, जब आपकी वाणी, विचार और कर्म तीनों में साम्यता होगी, एक रूपता होगी, तो उसे आर्यवत्ता कहते हैं महर्षि अष्टावक्र। हम क्या करते हैं, राजनीतिज्ञों का तो कहना ही क्या, 24 घंटे में 24 बार बदलती है उनकी वाणी भी, बोलती है अपने से ही,
उनके विचार और वाणी की तो बात बहुत दूर से, लेकिन आम लोगों में भी सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अगर यह है तो आपकी सफलता की कोई संभावना नहीं है। जो कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसके संबंध में वही सम्यक विचार भी सदा होना चाहिए, वही आप बोले भी, साहस आपके अंदर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में द करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन तब आता है जब आपकी आर्यवत्ता होती है, केवल बड़बोलापन नहीं होता है जैसे ये राजनेता करते हैं। जब चुनाव आता है तो जा जा करके प्रत्येक राजनीतिक दल जैसे हर गांव को, हर घर को ही स्वर्ग बना देगा, ये विक्षिप्तता है भारत की राजनीति, ये इतने खतरनाक दिशा में जा रही है, ले जा रही है कि ये बड़ा गहरा इसका प्रभाव पड़ता है चरित्र पर भी। अब आम व्यक्ति भी, युवा भी झूठ बोलना ऐसा मानने लगा है कि परम धर्म कर्तव्य है, यही सफल बनाता है आपको जिंदगी में। अपने मां से, पिता से, अपने मित्र से, सारे संबंधों में झूठ बोलना ही वह प्रारंभ कर देता है। सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। वैसे क्षणिक अर्थों में तो थोड़ी देर तक तो आप शायद जो राजनीतिज्ञ लोग हैं या अन्य क्षेत्रों में भी लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन वह सफलता तो क्षणभंगुर होती है। आप आर्यवत्ता आपके अंदर ना हो, जो बोलते हैं वही बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो सोचते हैं बोलते हैं वही करते हैं, यह अगर इसी जो वेस्टर्न कल्चर में जो अंग्रेजी में इंटीग्रिटी वर्ड है, इसका गहरा अर्थ यह है। लेकिन आपने शायद ही इस तरह का कोई, मैं बड़े गहन चिंतन के पश्चात बहुत पहले से इस पर जब कुछ शोध किया था तब पता चला था। तो जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से विचार भी उसी के संदर्भ में भी वाचन भी होगा, वही बोलूंगा और उसी को अमल करूंगा, उसी का आचरण करूंगा, तो सफलता आपको, आपका चुंबन करेगी, आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये पांचवा सूत्र था। अभी दो सूत्र बाकी हैं। जो दो सूत्र हैं, अगला जो छठा सूत्र है निष्कामता, जो भी करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, और जो सातवां सूत्र है कि गुरु शास्त्र के आलोक में यह यात्रा, यह अनुष्ठान चलना चाहिए। निष्कामता का जो सिद्धांत है ये अपने आप में ये संपूर्ण वेदांत दर्शन है, संपूर्ण भगवद गीता उसी निष्कामता का सिद्धांत है। लेकिन आम लोगों को, संसारी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब मनोवैज्ञानिकों ने और प्रबंधन विशेषज्ञों ने भी समझ लिया है कि भगवान कृष्ण ने जो निष्कामता का जो सिद्धांत दिया था वह तो सफलता का इतना महान सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है, उसके बिना तो सफलता क्षणभंगुर कहीं इधर उधर दिखती जरूर है, लेकिन सफलता, जो सार्थक सफलता, तो निष्कामता से ही आती है। सकामी आसक्त व्यक्ति सदा भयग्रस्त होता है, उसकी ऊर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, सफल होऊंगा असफल होऊंगा, ये कैसे होगा वो कैसे, उसकी संपूर्ण ऊर्जा उसी में नष्ट हो जाती है। ये सच्चिदानंद व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भी बोल रहा है। अपने प्रवचनों में अधिकांश जो बातें शास्त्र के आधार पर बोल तो रहा है सच्चिदानंद, लेकिन अगर अनुभूति नहीं हुई है, व्यवहारिक उसकी सत्यता का विश्वास नहीं है, तब नहीं बोलता है। ये अभी समय नहीं है, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है, साक्षात उदाहरण इसी समाज से दे सकता हूं, आम लोगों का और अपना व्यक्तिगत भी, कि कैसे निष्काम भाव से जब कर्म में, अनुष्ठान में लगते हैं तो उस सफलता कैसे सुनिश्चित हो जाती है। इसको थोड़ा भ्रांति है जो भगवान कृष्ण ने जो वो दर्शन दिया, जो वो श्लोक है भगवद गीता में, अगर एक श्लोक को दुनिया भर के हर व्यक्ति अगर जानते हैं या भारत के, तो उस श्लोक को जानते हैं, लेकिन उसका गहरा
तात्विक अर्थ शायद ही कोई जानता है। वह सूत्र आपने भी सुना है, वह सूत्र निष्कामता का सूत्र वह है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो यस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योगवोच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विक्षा कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृत दोष्कृते, तस्माद्योगाय योधस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्, ये जो चार सूत्र हैं, इन चार सूत्रों पर मैं 365 दिन व्याख्यान देते रह सकता हूं। महाविज्ञान है, मानव इतिहास में इतना क्रांतिकारी दर्शन विश्वास पर आधारित नहीं, महाविज्ञान है। इट्स अ सुपर साइंस ऑफ कॉस्मिक एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, इट अप्लाइज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। सरल सहज अर्थ में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी आप लिप्त हो जाते हैं फल में किसी अनुष्ठान के, किसी कार्य के, तो आपकी ऊर्जा जो उस कर्म में लग करके उसके फल को सुनिश्चित करती, उसकी सिद्धि सुनिश्चित करती, वह ऊर्जा उस चिंता में, उस फल की आसक्ति में नष्ट होने लगती है और असफलता सुनिश्चित हो जाती है। ये गहन अर्थों में आप किसी भी एक अनुष्ठान के संदर्भ में अपनी मनोवृत्ति का अध्ययन करने की क्षमता हो, हर व्यक्ति के पास है नहीं। वैसे यू मस्ट बी वेरी डिस्पैशनेट इंटेलिजेंट टू वॉच योर माइंड योर बिहेवियर। अपना व्यवहार, अपनी मनोवृत्ति का अगर आकलन बुद्धिमत्ता पूर्वक कर सके तो आपको साक्षात दिखेगा कि जब भी किसी प्रकल्प, अनुष्ठान, कार्य, लक्ष्य की सिद्धि में आप इतने लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो प्रतिपल अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, असफल हुआ तो भयग्रस्त हो जाएंगे, उत्साह भी चला जाएगा। आप उत्साह नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे और डर से आप ग्रस्त हो जाएंगे, भय से ग्रस्त हो जाएंगे, कौन कार्य करेगा। कार्य करने वाला जो मन था, जो बुद्धि थी, जो अंतःकरण था, जो व्यक्ति था, वह तो भयग्रस्त हो गया, चिंताग्रस्त हो गया। लिप्सा यही करती है। आपको लगता है कि जब जितना लिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं लक्ष्य के प्रति, उतनी बड़ी सफलता होती, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। सफलता का सिद्धांत बिल्कुल इसके विपरीत है। अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्म पर लगाओ, फल तो भविष्य में होता है, उसका प्रतिफल होता है। वर्तमान में कर्म है, वर्तमान में फल नहीं है, और कर्म वर्तमान में ही है। वर्तमान अभी यही तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम उस मुट्ठी में जो तुम्हारा जो वर्तमान का समय है, जो कर्म करोगे उसी के अनुरूप फल होगा। उस कर्म का जो क्षण था उसको आपने उपयोग न किया, उसके प्रत्येक पल का उपयोग न करके आपने यह चिंता करने में, आसक्ति में, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने सुनिश्चित कर दिया असफलता। आप भविष्य में आपकी ऊर्जा चली गई, शंकित हो गए, भयग्रस्त हो गए, निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समभाव से सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर भी जो मैं कार्य करूंगा, अपनी ऊर्जा लगाऊंगा
जिस अनुष्ठान में, जिस कार्य में, जिस लक्ष्य में लगा हूं, इसकी चिंता किए बगैर अपना प्रत्येक पल, मेरा प्रत्येक अणु परमाणु, प्रत्येक श्वास प्रश्वास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित्त समर्पित होगा। लक्ष्य में की सिद्धि हो या नहीं हो, मेरा उस पर अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है जब कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर अधिकार नहीं। इसको बड़े गहरे अर्थों में जाएंगे, आप सभी स्तर पर इसे समझ सकते हैं। सनातन धर्म का, वैदिक दर्शन का और विशेष रूप से वेदांत दर्शन का सबसे मौलिक जो सिद्धांत है वो यूरोप अमेरिका के यंग लड़के लड़की भी सब जो जानते हैं, द थियरी ऑफ कर्मा, दिस इज माई कर्मा, यू मस्ट बी, आप जो फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर भी बात करें किसी यूरोपियन से, दिस इज माई कर्मा। कर्म का जो सिद्धांत है जो सनातन धर्म ने दिया है विश्व में सर्वत्र अवमान्य है। जो कर्म करेंगे आप उसका फल नहीं होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे मौलिक सिद्धांत है, अगर नीम के आपने बीज बोए हैं और अंकुरित जो नीम का हुआ है तो आम उससे नहीं निकलेगा। इसलिए जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है, तो इस शाब्दिक अर्थों में जो अर्थ समझ रहे वह अर्थ नहीं है। तुम्हारा अधिकार बिल्कुल है फल पर, लेकिन किस रूप में? अगर तुमने अधिकार अभी फल पर करना प्रारंभ कर दिया, जो है नहीं अभी, वर्तमान में कर्म है, वर्तमान में फल नहीं है, मुझे खेती करनी है आम की, तो बीजारोपण करूंगा आम का, उसे सिंचाई करूंगा, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, पौधा जब तैयार होगा तो फल पांच साल बाद लगेगा। मेरी संतान है उसे मुझे बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, तो बच्चे से बचपन से पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, स्वास्थ्य, मानसिक, विभिन्न प्रकार के 20-25 वर्ष के अथक प्रयास के बाद वो वैज्ञानिक बनेगा। अगर मैं, जब मेरी संतान 5 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, यूनिवर्सिटी में है, ये बार बार ये सोचता रहूं ये होगा कि नहीं होगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैं ईमानदारी पूर्वक जो हमारी ऊर्जा, जो समर्पण, जो धन उसमें समर्पित होना चाहिए वो न करके सुनिश्चित कर दूंगा कि वो वैज्ञानिक न बन पाए। इस अर्थ में आपको फल पर अधिकार नहीं है, क्योंकि फल भविष्य में होगा, और फल को जैसा कर्म होगा उसके अनुरूप फल होगा, इसका कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। समय लगता है, प्रत्येक जो बीज आपने डाला है उसको फलित होने का अपना एक समय लगता है। एक बांस की प्रजाति है चीन की, चीन में एक बांस की प्रजाति है जिसका जब बीजारोपण किया जाता है तो 5 साल तक वह जमीन के अंदर ही रहता है, और जब अंकुरित होता है 5 साल के बाद, जिस दिन अंकुरित होता है, वो 2 से 3 हफ्ते में 200, 300, 400 फीट चला जाता है, इतना तीव्र उसका विकास होता है। ये उदाहरण अभी जो दे रहा हूं वो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में इसे पढ़ाया जा रहा है। क्या समझाने के लिए? वही जो सिद्धांत है भगवान कृष्ण का, जो निष्कामता का, जो सफलता का सिद्धांत है, कि अब वह जो चाइनीज बंबू है वो कितने दिन में तैयार हुआ? कोई बोलेगा कि वो तो 4 हफ्ते में तैयार हो गया, लेकिन वो उचित न होगा। जो बीजारोपण हुआ और उस पृथ्वी के अंदर रह करके जो 5 वर्ष का जो उसका जेस्टेशन पीरियड था, उसमें उसकी जेनेटिक मेकअप ऐसा उसका था, जो भी उसकी गति हुई आपको दिख नहीं रही है कि अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रजाति ही ऐसी है, उसकी गति तो हुई है, आपको दिख नहीं रही है। उसका फल होता है कि उस समय तो शांत पड़ा था, उसमें गति तो जेनेटिक साइंस के आप स्टूडेंट होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अल्फाबेट जानते होंगे तो समझ में आएगा, वो रुका नहीं है, उसकी गति तो चल रही थी, लेकिन आपको दृश्यमान 5 साल के बाद हुआ, और हुआ तो बहुत विशाल हो गया। यही सूत्र है, जब आप ऊर्जा पूरी की पूरी लगा करके कर्म पर, कर्म अर्थात द प्रेजेंट मोमेंट, अभी जो क्षण है सिर्फ इसी में करना, काम करना संभव, भविष्य में काम कोई कर्म आज तक घटित नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य है नहीं। गहरे अर्थों में जब दर्शन, अब उस विषय पर नहीं जाता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, माइंड द टाइम एंड स्पेस आर मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, ये बात अद्वैत वेदांत का मूल सूत्र था, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके जो
फंडामेंटल रिसर्चर थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसको सिद्ध किया कि टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, इट्स मेंटल प्रोडक्ट। तो वह जो जिसे भविष्य आप मान रहे हैं और कर्म अभी वर्तमान में कह रहे हैं, कर्म करने का अधिकार है, अधिकार उससे कोई आपको रोक नहीं सकता है। भगवान कृष्ण जब कर्मण्येवाधिकारस्त कह रहे थे, आपको जो अधिकार दे रहे हैं वास्तव में तो फल को सुनिश्चित कर रहे हैं। वह फल को सुनिश्चित कर रहे हैं, फल को सुनिश्चित करने का क्या है, जो अगर आम का पेड़ चाहिए, आम का फल खाना है तो आम का बीजारोपण करेंगे, सेब की खेती करनी है तो सेब का बीजारोपण करेंगे, सेब की खेती करेंगे तो वहां आम नहीं, वहां नीम नहीं उग जाएगी। इसलिए जो कर्म करेंगे आप, उसका फल तो ब्रह्मांड में कोई रोकने वाली सत्ता नहीं है। आपको समझने में दिक्कत जरूर हो जाती है, जो अन्य कहीं कोई परिस्थितियां होती हैं उनके कारण उसमें बाधा आपको दिखती है, बाधा कहीं कोई होती नहीं है। मुझे विशेष रूप से जब से सन्यासी बना हूं तो अनंत लोग मिलते हैं, महाराज श्री मैं बड़ा बिजनेसमैन था या हूं ऐसे ऐसे, अब लेकिन ये हो गया है, फंस गए हैं, ये नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है महाराज जी, पूजा पाठ थोड़ा करो तो महाराज जी 10-20 लाख लोग दे देंगे। अब इसी तरह की कमजोरी और मूर्खता का लाभ उठाते हैं जो पाखंडी सन्यासी हैं, इसी सब के नाम पर दुष्कर्म करते हैं, पाखंड करते हैं, सनातन धर्म को भी ध्वस्त किया, इस महान भारत भूमि को भी कलंकित किया, और इसमें आपका भी, जो आप इन संतों को तथाकथित गुरुओं को दोषी मानते हैं, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आप आकस्मिक मिरेकल चाहते हो, ब्रह्मांड में समस्त जो मिरेकल हैं वो आपके अंदर है, आपके बाहर कोई मिरेकल नहीं है। ब्रह्मांड का समस्त चमत्कार आपका अधिकार है, आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है। ये पाखंडी बाबा, पाखंडी गुरु, इन्होंने बहुत दिन तक इस पावन महान भूमि को कलंकित किया है और आप उसके भागी बने हुए हैं। सन्यासी बनने के बाद मुझे ये दिखाई पड़ा कि इतने कायर भाव से, कातर भाव से, कोई भी 10 रुपया देने को, इसे दक्षिणा या एक समय भोजन कराने को कोई तैयार नहीं है सनातन धर्मी, परंतु अगर झूठ बोलने को मैं तैयार हो जाऊं और मेरे झूठ को वो क्या पकड़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे नामी नामचीन जो विद्वान और भारत सरकार के लोग जब नहीं पकड़ पाए, तो मैं तो झूठ जब बोलना प्रारंभ करूंगा तो दुनिया में कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अंतरात्मा का वह धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, मैं अपने साथ अन्याय कर पाऊंगा। इसलिए आपको दिखता नहीं है ये समस्त जो चमत्कारी बाबा और चमत्कारी और ये हस्तरेखाएं देख देख करके आपके भाग्य का निर्धारण, फल जो सुनिश्चित करने की विद्या है, आपकी नपुंसकता, मूढ़ता, मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। वेदांत में कहीं भी कोई भी जो महानतम दर्शन है इनका कोई स्थान नहीं है। महर्षि वशिष्ठ, योग वशिष्ठ रामायण में राजा रामचंद्र को जो ज्ञान दे रहे हैं, तो महर्षि वशिष्ठ राजा रामचंद्र को, राजकुमार रामचंद्र को बोल रहे हैं, हे राम, भाग्य में विश्वास नपुंसकों का अस्त्र है, जो स्व में जिनका विश्वास है वे भाग्य देखते नहीं, भाग्य जानते नहीं, भाग्य के विधाता और निर्माता बनते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मन हो, प्रत्येक जीव ही शिव है, अपना भाग्य विधाता वह स्वतः है। कोई नक्षत्र, समस्त नक्षत्र, समस्त ग्रह मुझ में प्रतिष्ठित हैं। किसी भी नक्षत्र, किसी भी ग्रह, किसी भी रेखा की यह क्षमता नहीं है कि मेरे लिए कोई फल सुनिश्चित कर सके। जिसका मैंने कर्म नहीं किया वह फल मुझे दिला दे, ब्रह्मांड में ऐसी कोई विद्या नहीं है। इसलिए इस देश की जो दुर्दशा, जो पतन हुआ, तत्कालिक फल, तत्कालिक तपस्या, तत्कालिक सफलता, रातों रात धनवान बनने की बना तो कोई नहीं, सफलता तो कभी हो नहीं पाएगी। सर्वनाश
निश्चित रूप से इस महानतम ये भारत भूमि का भारत माता का कर दिया, आक्रांता बनी इसी नपुंसकता के कारण। कम से कम आज का जो युवा है जिसके अंदर द स्पिरिट, साइंटिफिक स्पिरिट है, भारत में अंधविश्वास की कभी कोई जगह नहीं थी। जो संवाद की, शास्त्रार्थ की जो वेद में परंपरा थी, अपने जो विरोधी प्रतिस्पर्धी के शास्त्र सम्मान पूर्वक शास्त्रार्थ होता था और सत्य का शोधन होता था। इसलिए जो कर्म के बिना फल पाने की जो कामना है वही हस्तरेखा विशेषज्ञों तक ले जाती है और दुष्कर्म का भुक्त भोगी भी बनाती है कितनी बहनों, बेटियों, माताओं को, मुझे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आकस्मिक है या क्या है आप विश्वास करेंगे, ये सच्चिदानंद ने अपने जीवन में इतने बच्चे से भी ये अपने हाथ को नहीं दिखाया है। उस समय भी जब बच्चा था और जब घर परिवार पर कहीं ज्योतिषी आते थे तो सब लोग दिखाने लगते थे कि मेरा भाग्य देखो प्रभु, मेरी रेखाएं देखो। उस समय भी इतना क्रोध आता था इस सच्चिदानंद को उस नपुंसकता पर, जिन्हें आत्मविश्वास नहीं है, जिन्हें अपने कर्मों पर, अपने चरित्र पर, अपने मूल्यों पर विश्वास नहीं है वो हाथ दिखाते हैं। तुम कर्म करोगे उत्तम तो उत्तम फल उपलब्ध होने से ब्रह्मांड की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि तुम वह ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर वह जो ब्रह्म है वो नक्षत्र हैं, सारे ग्रह तुम्हारे अंदर है, कोई भी ग्रह तुम्हारे बाहर नहीं है। और जो शनि और साढ़े साती और ये मंगल, ये जो ड्रामा चल रहा है नेट पर, फेसबुक पर बहुत चल रहा है करके, मुझे मालूम है कि बहुतों की रोजी रोटी पर जो पाखंड के आधार पर चला रहे हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे सत्य का उद्बोधन करना होगा ये करके। जो भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत दिया, जो भोले बाबा यहां कह रहे हैं और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो निष्कामता का सिद्धांत है, निर्लिप्तता का सिद्धांत है, फल में आसक्ति नहीं है, परंतु जो कर्म और अनुष्ठान तुमने निर्दिष्ट किया है उसको पूर्णतः अगर उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हो तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम निश्चित रूप से विजयी होगे। और अब समापन करने से पूर्व जो अंतिम जो सूत्र है आपकी सफलता का, वह यह है कि जो कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, जो कोई भी लक्ष्य आपने जीवन में निर्धारित किया है, तो ज्ञान के आलोक में जो पहला सूत्र और अंतिम सूत्र दोनों, इन दो किनारों के बीच में यह सफलता की जो सरिता, सफलता की गंगा प्रवाहित होगी। सम्यक, सम्यक ज्ञान, सुविचार शब्द का प्रयोग किया पहली शर्त सफलता की, और अंत में जो अंतिम सूत्र क्या है बिल्कुल मिलता जुलता है। गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है, प्रत्येक विषय का, प्रत्येक अनुष्ठान का, प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित गुरु हैं, शास्त्र हैं अनादिकाल से। वह अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जो कोई भी शास्त्र हो, गणित हो, आपको जो कुछ भी, या अध्यात्म शास्त्र हो, वेदांत दर्शन हो, जो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आपका विषय है, या प्रबंधन शास्त्र ही हो, MBA कर, जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके संबंध में जो भी श्रेष्ठतम गुरु हैं और श्रेष्ठतम जो शास्त्र हैं, द बेस्ट टीचर एंड द बेस्ट लिटरेचर अवेलेबल मस्ट बी गाइड फॉर यू। सड़क पर नहीं, विचार सुन लीजिए, हतोत्साहित इतने हैं, आतुर इतने हैं, निराशा इतनी है, हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं, कंसल्टेंसी के लिए भी पाखंडी गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं, ये समझे भी बिने भी कि उसकी अपनी जिंदगी रोजी रोटी के भी ईमानदारी से अपने जीवन जी करके दो रोटी भी नहीं कमा सकता था, पाखंड की उसने दुकान खड़ी की है, आप उसको कंसल्टेंट बना लेते हो आप अपना,
वह अपना तो सर्वनाश कर ही रहा है, आपका भी सर्वनाश करेगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी गुरु के पास न जाए, मैं ध्यान से कह रहा हूं, चुनाव आप करें, विचार करके गुरु का, वह आपके सांसारिक अर्थों का गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो, किसी को गुरु न बनाए, ठोस रूप से उसका परीक्षण करें अपने आधार पर। यह आवश्यक नहीं है कि जाकर के उसका कोई इंटरव्यू करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आपके विचार दूषित होते हैं, आप वासनाग्रस्त होते हैं, आप आसक्त होते हैं, रातों रात बिना कर्म किए हुए ही आप फल को उपलब्ध हो जाना चाहते हैं, इसीलिए ये इस देश में इतने पाखंडी बाबा हुए हैं जो बहुत सारे जेल गए हैं, और प्रत्येक बाबा जो जेल गया है, हर एक बाबा पर हजारों बाबा हैं जो कर्म वहीं कर रहा है, अभी बाहर में घूम रहा है, और आपका बाबा बना हुआ है, आपका गुरु बना हुआ है, आपका धन बल सब कुछ उसके चरणों में जा रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी बाबा सभी गुरु संत वैसे ही हैं। मैं ऐसे हजारों संतों को जानता हूं, विशेष रूप से हिमालय में व्यक्तिगत रूप से देखा है, इतना प्रमाणिक, इतना ज्ञानी, इतना ईमानदार संत है, लेकिन रोटी के लाले पड़े हुए हैं, 10 रुपया कोई देता नहीं है, जिस पर इस देश को सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके यह देश धन धन्य होता, गौरवान्वित होता, वह संत खाने बिगर मर रहा है, झुकी झोपड़ी के भी ठिकाने नहीं है। और यही आपकी इस राष्ट्रीय सामाजिक दुर्दशा का भी कारण है, जो जितनी भी खराब सामाजिक राजनैतिक आपने देखा होगा। पिछले 1-2 हफ्ते में मैं जब हिमालय में ऋषिकेश में रहता हूं, तो ज्यादा तो इसमें अभिरुचि नहीं रखता हूं, राजनीति वगैरह अभिरुचि पहले से रही है फिर भी, लेकिन दिल्ली में आया तो थोड़ा देखने का प्रयास किया, इतनी विभत्स जुगुप्सा हुई, जिस प्रकार के संवाद टेलीविजन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बीच हो रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप अपने देश का भविष्य आप चाहते हैं कि आप इसके स्टेक होल्डर हैं, आप आपके बच्चे का भविष्य, आप एक नागरिक के रूप में ऐसे पाखंडी फूहड़ विभत्स अश्लील भाषा का प्रयोग पब्लिक टेलीविजन चैनल्स पर हो रहा है, और इसमें जो टेलीविजन चैनल्स के ओनर्स हैं उनकी राजनीतिज्ञों से भी ज्यादा भूमिका है, इस अश्लीलता को बेच करके अपनी TRP कमाने का जो घृणित प्रयास के टेलीविजन चैनल्स कर रहे हैं और ऊपर से दिखावा भी करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये प्रवक्ता इस राजनीतिक दल का, उस प्रवक्ता, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से सबको देखा, ये भाषा, ये सच्चिदानंद किसी गांव में इसका जन्म हुआ था, गांव में भी जो भाषा आम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जिसे स्ट्रीट लैंग्वेज बोलते हैं, वह भाषा आपके राष्ट्रीय स्तर के टेलीविजन पर प्रयुक्त होती है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो नागरिक धर्म है उसमें आप पदच्युत हुए हैं। इसलिए जो कोई भी आप कर्म करेंगे उसमें हतोत्साहित होना, भयग्रस्त होना, लिप्त होना, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जो ईमानदारी है, जो शाश्वत सिद्धांत है सफलता, प्रत्येक पल आप अतिक्रमण कर रहे हैं, कटिंग द कॉर्नर आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक यही करते हैं, नौकरशाह यही कर रहे हैं, उद्योगपति यही कर रहे हैं, तो निर्लिप्त भाव से सफल होने की पूरी कर्मठता से अपनी ऊर्जा, समग्र ऊर्जा को समर्पित करके आपका जो भी लक्ष्य हो, और महान से महान लक्ष्य आपके लिए आसानी से संभव है, क्योंकि आप ब्रह्म हो, सर्वशक्तिमान सत्ता हो, आप ब्रह्मांड के आधार अधिष्ठान हो, क्योंकि आपने मान रखा है कि तुम मरण धर्मा हो, क्षुद्र हो, इसीलिए तुम अपनी ऊर्जा को भी तुमने क्षुद्र बना दी है। कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है, कोई भी संकल्प प्रकल्प आपके लिए असंभव नहीं है, लेकिन ये जो मूल शाश्वत सार्वभौमिक सफलता के जो सिद्धांत हैं, जो वेदांत दर्शन पर आधारित हैं, जिन्होंने पैदा किया श्रेष्ठतम योद्धा, महानतम शासक, परम वैभवशाली, और वह युग और काल, वो सिद्धांत आज भी वैसे ही हैं, वे शाश्वत सिद्धांत हैं, लेकिन
हम इस विक्षिप्तता को ग्रस्त हो गए हैं समाज के रूप में. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट, कटिंग कॉर्नर. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है. जब भी आप शॉर्टकट और कटिंग कॉर्नर की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो अपनी असफलता को सुनिश्चित करते हैं. आप अपने कर्म के लिए अपनी जो ऊर्जा उपलब्ध है इस क्षण में, बाहर से कहीं कोई ऊर्जा नहीं लानी है, कोई ऊर्जा बाहर से दे भी नहीं सकता है. आपके पास अनंत अक्षय ऊर्जा का भंडार है, क्योंकि प्रत्येक जीव शिव ही है. उसे इस बात का बोध होना चाहिए, अदम्य साहस होना चाहिए, अभूतपूर्व उत्साह होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और सुविचारित वह लक्ष्य होना चाहिए. अगर इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक पल हमारा अपने कर्म को समर्पित हो, फल में अगर लिप्तता न हो, तो श्रेष्ठतम फल और श्रेष्ठतम सफलता सुनिश्चित होती है आपके जीवन में. इसलिए वेदांत चंदावली के आधार पर मैंने जो व्यवहारिक पक्ष है, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा, अधिकांश जो श्रोता हैं, वैसे तो मैं सन्यासी हूं, मेरा परम आनंद तो उस सन्यास की परंपरा, उस सन्यास की व्यवस्था, उस परम आत्म साक्षात्कार की जो उपलब्धि है, उसी पर बोलना सर्वदा आनंददायक होता है. परंतु सन्यासी का धर्म है, युग धर्म है कि वह लोक कल्याण के निमित्त कर्म करे. तो मैं जो भगवान कृष्ण का जो लोक कल्याण के निमित्त यज्ञार्थ कर्म का जो आदेश है, उसी का पालन करते हुए जो आम गार्हस्थ हैं, जो कोई भी हो विश्व में, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस अभिप्राय से, उनके लिए भी प्रयास करता हूं और करूंगा आगे भी कि उनके जीवन में भी. और इसलिए मैंने पहले बताया था, पुनः एक बार बताता हूं कि वेदांत दर्शन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं, स्वर्ग के लिए ही नहीं, मृत्यु के मोक्ष और मुक्ति तो यहीं पर उपलब्ध होगी. आर्थिक अर्थों में, राजनैतिक अर्थों में, सामाजिक अर्थों में भी और आध्यात्मिक अर्थों में भी. इसलिए ये जो सात सूत्र हैं, ये आध्यात्मिक अर्थों में भी सफलता के सिद्धांत हैं, आर्थिक अर्थों में भी, राजनैतिक अर्थों में भी, व्यवहारिक अर्थों में भी, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रत्येक स्तर पर इन सात सूत्रों का और सिद्धांतों का अगर अनुपालन करते हैं और इनके आलोक में अगर कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा. तो मैं अब इसी कामना और इसी प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो, मंगलमय हो, आनंददायक हो, आपके अंदर जो सम्राटों का सम्राट छिपा है, जो अव्यक्त पड़ा हुआ है, वह अपने वैभव को उपलब्ध हो. जीवन की गरिमा इतनी विराट है, उसका बिना रसपान किए इस संसार से चले जाओ, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कुछ भी न होगा. प्रत्येक पल आवाहन कर रहा है तुम्हें उस अपने विराट वैभव को उपलब्ध होने का, लेकिन बीच में इस जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी प्रकल्प, अनुष्ठान, यज्ञ करते हैं, उन सब में अगर सफल होने का कोई सिद्धांत है, कोई सूत्र है, तो ये साथ के साथ मैंने सूत्र बताए. आगे भी कम से कम जब तक दिल्ली में हूं मैं, तो ये वेदांत छंदावली पर एक जो वेदांत प्रवचन माला, विशेष रूप से जो व्यवहारिक पक्ष, जो जीवन के आयाम है, उस दृष्टि से रखने का प्रयास करूंगा. आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत आभार, कोटशः धन्यवाद. चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम.
आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसका जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको प्रेस जरूर करें, ताकि मैं ये फेसबुक पर प्रवचन बंद करने वाला हूं। इवन यह जो वेदांत और हिंदी का जो की जो प्रवचन माला है, एक दो केवल फेसबुक पर कर रहा हूं सूचित करने के लिए। कल या परसों से अब मेरा कोई प्रवचन फेसबुक पर नहीं होगा, सीधा यूट्यूब पर करूंगा। अगर आप वास्तव में अभिरुचि आपको है, आपको कोई उपयोगिता मेरे प्रवचनों में दिख रही है, तो आप लाइव ही सुन पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल का, जो कमल माता ने अब बड़ी मेहनत करके बहुत ही फास्ट कर दिया है और फंक्शनल और यूजर फ्रेंडली बनाया है। प्रेस आपने जो है सो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं भी आप लाइव देख पाएंगे तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन अब मैं शायद ही असाधारण परिस्थितियों में कभी कभी फेसबुक पर लाइव पर आऊंगा, मैं यूट्यूब लाइव करूंगा, ये मैं सूचित कर रहा हूं आपको। इसलिए आप अगर वास्तव में अभिरुचि रखते हैं मेरे व्याख्यान में, किसी प्रकार से आपकी कोई उपयोगिता है, अगर उपयोगिता नहीं है तो फिर कोई कारण नहीं है आपको YouTube सब्सक्राइब करने का, लेकिन आपको लगता है कि मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्रवचनों से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से YouTube मेरा सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, क्योंकि आगे से मैं अब अपने सारे प्रवचन, सारे अनुष्ठान, सारे व्याख्यान डायरेक्ट यूट्यूब पर ही करूंगा। लाइव भी दे सकते हैं या बाद में शेयर करूंगा तब भी दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरिशरण हरिशरण जय हरिशरण हरिशरण हरिशरण।